नमस्कार, विलेज मीडिया सेंटर में आपका स्वागत है। हम अभी सूजा पंचायत में भर्रा है, इलाका है उसी पंचायत में, वहाँ हम हैं और हमारे साथ किसान हैं, नकुल जी हैं, नकुल शर्मा जी हैं। इनका जो फील्ड है वो सोयाबीन का है और मक्का भी लगाए हैं। सोयाबीन में इनका जर्मिनेशन बहुत अच्छा है और काफ़ी अनुभवी किसान हैं, तो हम क्या जानकारी चाहिए था वो भी इनको बताएं। लेकिन ये खुद पहले से इनको पता है और ये मुझे खुशी है, कृषि विभाग की तरफ से हम इनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ऐसे जागरूक किसान हैं जिनको टेक्निकली भी पता है। आप अपना नाम बताइए। नकुल शर्मा, तहसील बिहारी शर्मा। बिहारी शर्मा जी, कौन कौन चीज़ का खेती करते हैं? सुजा जिला बेगूसराय, थाना मुफसिल, और सोयाबीन करते हैं, मकई लगाते हैं इस समय का सीजन में, धान भी लगाते हैं। खेती ज़्यादा होने के बाद, खेती अभी नहीं है, इस बार धान नहीं लगाए हैं, सोयाबीन और मक्का है। उसके बाद जब कार्तिक महीने का सीजन आता है तो मकई, आलू और गेहूं, ये सब चीज़ लगाते हैं। नकुल बाबू, हमने आपको बताया कि किस तरह से सोयाबीन में फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट करना है, जी, मिट्टी को कैसे बचाना है, सबसे पहले मैनेजमेंट ज़रूरी है। हम लोग जो है ना, मतलब पर्सनल हमारा जितना तक हमें नॉलेज है कि हम हो सके जितना कम से कम खाद यूज करते हैं, हम खाद ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। उसमें गोबर का खाद देते हैं, जैविक खाद आता है वो भी कुछ खरीद कर करते हैं, वो भी यूज कर देते हैं, और अपना जो गाय है, किसान हूँ तो उसका गोबर उबर जो रहता है वो सब यूज करता हूँ ज़्यादा करके। खाद का मात्रा बहुत कम देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। और आने वाले दिन में हम लोग जैविक में, जैसे गोबर में क्या होता है, गाय जो भी भोजन आप दिए, हाँ, उसका बीज रह गया तो बीज पचता नहीं है, हाँ, फिर गोबर में रह के फिर खेत में घास की मात्रा ज़्यादा हो, खरपतवार ज़्यादा हो, ज़्यादा उससे बचने का तरीका हम बताएंगे कि गोबर में क्या करना है। हाँ, वो एकदम डिकम्पोज हो जाएगा और तब उस खाद को डालेंगे तो घास हमारे खेत में, उसमें भी जैसे एक दुकान में जाते हैं तो आप लोग के मतलब इस माध्यम से जो दवाई मिलता है तो दुकान वाले सलाह देते हैं कि मतलब खेत जोतते हैं ना, पौधा लगाने से 15 दिन पहले उसको अगर स्प्रे कर देते हैं तो खर पतवार को, हाँ, खर पतवार नाशी बहुत सारा मार्केट में है, हाँ, आने नहीं देता, आने नहीं देता है, तो वो हो गया मतलब फोर्सली कार्रवाई, हाँ, फोर्सली कार्रवाई नहीं करना है। हाँ, हम लोग को इस तरह से फसल चक्र अपनाना है जिससे घास धीरे 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 कम हो जाए, कम हो जाए, और वो हो जाता है। हाँ, चूंकि एक ही फसल जो है लगातार आप लगाएंगे, हाँ, तो उसमें उगने वाले घास के बीज फिर उसी में सालों भर गिरेगा, उसको गैप नहीं मिल पाता, गैप नहीं मिलता, यानी कि अपना कॉलोनी बना दिया, तो उससे बचना है हमको, वो सब हो जाएगा। अब रही बात सोयाबीन, आपका फसल अच्छा है और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इनका, देखिए क्वालिटी है, बहुत अच्छा क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी है। बस एक बार जो है इसमें आप जो अगर हो सके थोड़ा बढ़े तो हम कहेंगे कि लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करिएगा, है ना? तो 15 दिन के बाद हम आपसे आके मिल लेंगे। हाँ, आप आके मिलिए, हम बताएंगे आपको कैसे करना है, इसका अच्छा उपज लेना है, है ना जी? ऐसे कितना उपज लेते थे कट्ठा में? वैसे बीघा जो है ना, एक करो जैसे 20 कट्ठा बीघा बोलते हैं अपने यहाँ, तो 15 मन, 18 मन, 12 मन, 20 मन, जिसका जैसा फसल, हाँ, मतलब अधिकतम 1 मन का कट्ठा और, हाँ, नहीं हुआ तो 20 के जी 30 के जी तक, हाँ, कट्ठा में चले जी, जी 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 ठीक है। चलिए इसको मैनेज करेंगे और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करके, पेस्ट मैनेजमेंट करके कैसे इसको अच्छा उपज लेंगे, इस पर हम लोग काम करेंगे। आपका सहयोग चाहिए। आप जो है मतलब अभी देख लिए, आपको इसमें लग रहा है कि कब क्या करना चाहिए, तो हमें समय दीजिए तो हम आपसे आके मिल लेंगे। बिल्कुल, हम प्रतिदिन आते हैं आपके पंचायत में, हम प्रतिदिन आते हैं। आपके हिसाब से बताइएगा कि अभी इसमें अभी क्या करना चाहिए, कितना दिन, अभी एक सप्ताह वेट करना है, यानी इसका लीफ और बड़ा हो जाए, पत्ता यानी कि झांगर ज्यादा हो जाए, तब इसमें इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम इसको जो भोजन देंगे, हम इसको, इसका मुंह बढ़ेगा तब ना, हमारा भी संख्या बढ़ेगा। हमारे अनुभव से भी वही सलाह था कि 15 दिन के बाद जो है से हम इसमें करेंगे, तो हम 15 दिन, 1 हफ्ता के बाद हम आपसे मिल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और मिलने के बाद फिर आप जो बोलिएगा उसके अनुसार से हम करेंगे। इसका अच्छा उपज लेना है, और फिर उसके बाद जब फसल रेडी हो जाएगा, हर फूल जाएगा, तब आपको खबर करेंगे, आके देख लेंगे। पक्का पक्का। तो नकुल जी का ये प्लॉट है और हम लोग आज इसको देखे हैं और इसको बेहतर किया जाएगा, और यही आशा के साथ हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।